गाइज, बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट कल्चर को खत्म करने के लिए, लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए MAI यानी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। MAI पूरे इंडिया में 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने जा रहा था, ताकि एक बार फिर से लोगों को सिनेमा घरों तक वापस लाया जा सके। इसलिए MAI ने 16 सितंबर को अपने पहले नेशनल सिनेमा डे पर सारे सिनेमा घरों में सभी फिल्मों के टिकट के प्राइस को मात्र 75 रुपए कर दिया था। जब जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो लोगों ने तुरंत ही इन टिकट की प्री बुकिंग शुरू कर दी और 16 सितंबर का इंतजार करने लगे। लेकिन इसी बीच रणवीर कपूर के ब्रह्मास्त्र ने MAI का पूरा प्लान चौपट कर दिया, जिसे देखते हुए MAI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदलकर 23 सितंबर करनी पड़ी, ताकि ब्रह्मास्त्र को टिकट के कम प्राइस के चलते नुकसान ना हो सके। वैसे गाइस, आपका क्या कहना है? MAI का कम प्राइस में टिकट देने वाला प्लान लोगों को सिनेमा घरों तक वापस खींच पाएगा? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।